अस्सलाम वालेकुम, मम्मी कुकिंग रेसिपी में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो है मैं आपको बना सिखाऊंगी मसालेदार खड़े मसाले का आलू कीमा रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है एक पाव जो है बगैर हड्डी का कीमा ले लिया है, प्याज ले ली हमने यहाँ पे 2 अदद, टमाटर है हमारे पास 3 अदद, इनको इस तरीके से इस कट कर लिया है। यहाँ पे 4 अदद हमने यहाँ पे साबुत मिर्च ले ली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर है हमारे पास, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसी धनिया है, और यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ले ली हैं 4 अदद। 1 टीस्पून यहाँ पर गर्म मसालों का पाउडर ले लिया हमने। यहाँ पर हमने अपने खड़े मसाले ले लिए हैं, 2 अदद हमने यहाँ पे तेज़पत्ता ले लिया है, 1 अदद यहाँ पे हमने बड़ी इलायची ले ली है और छोटी इलायची हमारे पास 2 अदद, और 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे जो है ज़ीरा ले लिया है, और 1 अदद हमने यहाँ पे दालचीनी की लकड़ी ले ली है। आलू ले लिए हमने यहाँ पे 4 अदद और इस तरीके से इनको कट कर लिए। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ले लिया, और 1/2 कप जो है हमने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है, और नमक लेंगे हसब ज़रूरत। तो सबसे पहले इसमें सरसों का तेल ऐड कर देंगे 1/2 कप। तो सबसे पहले इसमें प्याज ऐड कर देंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज को जो है हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया था, ब्राउन सी देखिए हो चुकी है। अब इसमें हम अपने खड़े मसाले ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे, और इसी के साथ इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसको 5 मिनट तक जो पका लिया था, अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इनको 5 मिनट तक जो अच्छी तरीके से जो भून लिया था, अब इसके अंदर हम टमाटर ये ऐड कर देंगे, इसी के साथ अपने सारे मसाले भी ऐड कर देंगे, इनको कर लेंगे मिक्स। देखिए हमने इसको जो है अच्छी तरीके से जो भून लिया था 10 मिनट तक, अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इनको 5 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो भून लिया था, इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे अब हसब ज़रूरत, और इसी के साथ इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे, इनको कर लेंगे मिक्स, और इसे 15 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने इसको जो है 15 मिनट तक जो पका लिया था, तो अब इसके अंदर हम साबुत मिर्ची ऐड कर देंगे, और इसी के साथ इसके अंदर अपने गरम मसालों का पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे, और इनको कर लेंगे मिक्स। तो हमने इसमें पानी ऐड करने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक पका लिया था, अब इसके अंदर हम हरा धनिया और अपनी हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और इन्हें हम निकाल लेंगे, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए हमारे मिज़दार से जो आज की रेसिपी है मसालेदार खड़े मसाले आलू कीमे की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।